नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगला टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 का संधारित्र। संधारित्र को अंग्रेजी में कैपेसिटर के नाम से जानते हैं, और कैपेसिटर आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो आप ध्यान दें कि पंखा कूलर के साथ जो सेल जैसा लगा रहता है उपकरण, वो कैपेसिटर ही होता है। हिंदी में उसे संधारित्र कहते हैं। ग्रामीण भाषा में या दैनिक बोलचाल की भाषा में उसको संधारित्र कैपेसिटर बोलने के बजाय सेल बोल देते हैं, जो कि गलत है। वैसे इसे कैपेसिटर बोलते हैं। कैपेसिटर कॉमनली हम जो देखते हैं वो बेलनाकार कैपेसिटर होता है। कुछ एक पंखों में समांतर प्लेट कैपेसिटर भी होता है, वो माचिस की डिब्बी जैसा होता है, आप देख सकते हैं। संधारित्र की बात है, संधारित्र का जो यूज है वो ये है कि ये आवेश को एकत्र करने में या फिर ऊर्जा को एकत्र करने में काम आता है, ये इसका काम है। देखिएगा, ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से चालक का आकार बढ़ाए बगैर उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है, संधारित्र कहलाता है। आपको जैसे बताया था कि जितना बड़े आकार का कोई चालक प्लेट होगी वो उतना ही ज़्यादा आवेश को रख सकती है। तो अगर हमें ज़्यादा आवेश को एकत्र करना हो तो हमें चालक प्लेट को बड़ा लेना पड़ेगा, लेकिन हम ज़्यादा बड़ी चालक प्लेट लेंगे तो फिर उसका औचित्य खत्म हो जाएगा। इसलिए छोटे उपकरण के द्वारा, छोटी प्लेट के द्वारा अधिक से अधिक चार्ज इकट्ठा करने के लिए इस कैपेसिटर का निर्माण किया गया। तो कैपेसिटर ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से चालक का आकार बढ़ाए बगैर उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है, संधारित्र कहलाता है। नोट नंबर 1 है, संधारित्र की सहायता से विद्युत ऊर्जा का संग्रहण किया जा सकता है। ये बात आपको स्पष्ट होगी कि संधारित्र के द्वारा विद्युत ऊर्जा का संग्रहण किया जा सकता है। नंबर 2, संधारित्र का प्रतीक चिन्ह, प्रतीक में ती बड़ा आएगा, प्रतीक चिन्ह निम्न है। देखिएगा, ये इसमें दोनों, देखो दोनों जो प्लेटें हैं बराबर हैं बिल्कुल। जब हम सेल बनाते हैं, बैटरी बनाते हैं, तो एक प्लेट बड़ी और एक प्लेट छोटी होती है। बड़ी प्लेट पॉजिटिव को, छोटी प्लेट नेगेटिव को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दोनों प्लेटें बराबर हैं, तो ये कैपेसिटर की बात कर रहा है। इस कैपेसिटर की धारिता नियत है, अर्थात फिक्स है, लेकिन अगर इसके साथ इस प्रकार तीर का निशान लगाया हुआ हो तो इसका मतलब होता है कि परिवर्ती धारिता का संधारित्र, अर्थात ऐसे कैपेसिटर की धारिता को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन इसकी धारिता को चेंज नहीं किया जा सकता। इसके साथ एक नोब होता है, उस नोब को घुमाने से इस कैपेसिटर की कैपेसिटी, जो कैपेसिटी है, वो कन्वर्ट चेंज होती है। अगला टॉपिक है संधारित्र का सिद्धांत। देखिएगा, इसमें इसके अंदर करते क्या है कि दो समान आकार व क्षेत्रफल की प्लेटें लेते हैं। एक प्लेट पर धनावेश होता है, जिस पर कि प्लस का क्यू आवेश आपको दिख रहा है। दूसरी प्लेट प्रारंभ में निरावेशित होती है, अर्थात इस पर कोई आवेश नहीं होता है। लेकिन जब इस प्लेट को इस प्लस प्लेट के पास रख देते हैं तो इस प्लेट पर अंदर की ओर ऋण आवेश और बाहर की ओर यहाँ पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। चूँकि इस प्लेट का संपर्क पृथ्वी से है, इसलिए जो धन आवेश इधर उत्पन्न हो रहा था, ये धन आवेश पृथ्वी में चला जाता है और प्लेट पर केवल ऋण आवेश शेष रह जाता है। इस प्रक्रिया में आवेश गति कर रहे हैं और गति करने में कार्य करना पड़ता है, और कार्य करने से ऊर्जा खर्च होती है, और ऊर्जा के खर्च होने से विद्युत विभव का मान कम होता है, और इस सूत्र के अनुसार विभव V का मान कम होने से संधारित्र की धारिता C का मान बढ़ जाता है। यही इस संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है। इस बात को आप पढ़ सकते हो यहाँ पर। माना एक धन आवेशित प्लेट है जिसके पास दूसरी प्लेट लेकर आते हैं, ये धन आवेशित प्लेट है, दूसरी प्लेट लेकर आते हैं, तो प्रेरण के कारण इस प्लेट पर अंदर की ओर ऋणावेश और बाहर की ओर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। मतलब इधर तो ऋणावेश और यहाँ पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। धन आवेश पृथ्वी में चला जाता है और प्लेट पर परिणामी रूप से ऋण आवेश शेष रहता है। इस प्रक्रिया में आवेश गति करते हैं, गति करने में कार्य करना पड़ता है, और कार्य करने में ऊर्जा खर्च होती है, जिसके कारण विभव V का मान कम हो जाता है।
तब धारिता सी बराबर क्यू अपॉन वी के अनुसार वी के कम होने से धारिता सी का मान बढ़ जाता है, इसे संधारित्र का सिद्धांत कहलाता कहते हैं, या यह संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है। अगला टॉपिक है संधारित्रों के प्रकार। संधारित्र तीन प्रकार के होते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। इस पाठ में हम प्रथम दो संधारित्रों का अध्ययन करेंगे, अर्थात बेलनाकार संधारित्र जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में समांतर प्लेट संधारित्र और गोलीय संधारित्र दो ही हैं। देखिएगा आप इसको। नंबर एक, समांतर प्लेट संधारित्र। यदि दो समान आकार व क्षेत्रफल की प्लेटें एक दूसरे के समांतर उपस्थित हों तो इस व्यवस्था को समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। नाम से स्पष्ट हो रही डेफिनेशन कि अगर दो समान आकार व क्षेत्रफल की प्लेटें एक दूसरे के समांतर उपस्थित हों तो इस व्यवस्था को समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। आगे देखिएगा, ये ए और बी दो प्लेटें हैं। इस प्लेट पर प्लस क्यू आवेश, इस प्लेट पर माइनस का क्यू आवेश है और ये प्लेट जो है वो भू संपर्कित है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है और इस ये जो समांतर प्लेट संधारित्र है इसकी कैपेसिटी कितनी होगी वो हम यहाँ डराइव करेंगे, और एग्जाम में ये टॉपिक कई बार का पूछा हुआ है इसलिए इसे इम्पोर्टेंट लगा है। काफ़ी बार पूछा हुआ है, सिंपल भी है और आसानी से याद भी हो जाएगा। आप ध्यान दें कि माना ए व बी दो प्लेटें हैं जिन पर क्रम से प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश उपस्थित है। इन प्लेटों के मध्य की दूरी स्मॉल डी है, तब इन प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र होगा ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ये बात आपने पढ़ ली होगी चैप्टर नंबर सेकेंड में, चालक प्लेट के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का जो वहाँ जिक्र आया था, वहाँ ई बराबर हमने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो ही लिखा था, और साथ में वहाँ ये भी पढ़ा था कि सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए होता है, इसलिए ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप तो ई बराबर हो गया क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो, और इसे समीकरण नंबर एक कहते हैं। प्लेटों के मध्य विभवांतर वी बराबर ई डी होता है, समीकरण नंबर दो। अब बात आती है कि ये आया कहाँ से वी बराबर ई डी, तो इसका छोटा सा आप एग्जाम्पल देखें इधर, ये आया कहाँ से। ई बराबर के क्यू अपन आर स्क्वायर होता है, आपने पढ़ा होगा, और वी बराबर के क्यू अपन आर होता है, ये भी आपने पढ़ा होगा। अब ये जो के क्यू अपन आर स्क्वायर था इसको मैंने यहाँ वापस लिखा ई, के क्यू अपन आर स्क्वायर को मैंने आर और आर दो बार लिख दिया, के क्यू अपन आर और ये आर। अब मैंने क्या किया, इस के क्यू अपन आर जो है ये किसके बराबर है, वी के बराबर है, तो लिख दिया। तो इसे मैंने लिख दिया वी, इसको तो वी लिख दिया, और इसको लिख दिया एक बटा आर, या वी बराबर ई अपॉन आर, इसको वी कह दिया है और ये हो गया वी बराबर ई आर। क्लियर, तो आगे चलते हैं। तो वी बराबर ई डी समीकरण नंबर दो हो ही गया था, समीकरण एक का मान समीकरण दो में रखने पर तो वी बराबर हो गया क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो और गुणा में डी समीकरण नंबर तीन, क्योंकि E की वैल्यू मैं यहाँ से उठा लिया और ये V की वैल्यू हो गई। अब संधारित्र की धारिता C बराबर Q अपॉन V होता है, ये वैल्यू ये V की जो वैल्यू यहाँ आई थी वो वैल्यू इस V की जगह रख दूँ तो ये लाइन बन जाएगी C बराबर Q अपॉन क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो, क्यू से क्यू कट गया, ये चला जाएगा ऊपर, C बराबर होगा ए एप्सिलॉन जीरो बटा डी समीकरण नंबर पाँच। और जो समीकरण पाँच है, समीकरण पाँच की सहायता से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान ज्ञात किया जा सकता है, और समीकरण पाँच से C प्रोपोर्शनल A है और C प्रोपोर्शनल एक बटा डी है, क्योंकि वहाँ C बराबर सूत्र था A एप्सिलॉन जीरो बटा डी। क्यों, एप्सिलॉन जीरो एक कांस्टेंट राशि है तो C प्रोपोर्शनल A बन गया जो मैंने यहाँ लिख दिया, और C प्रोपोर्शनल एक बटा डी लिख दिया जो मैंने यहाँ लिख दिया। अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C का मान उसके क्षेत्रफल कैपिटल A के समानुपाती तथा प्लेटों के मध्य की दूरी D के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला जो टॉपिक है वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि उसके प्लेटों के मध्य पूर्णतः परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ हो तो क्या बात आएगी वो देखें आप।
वुक का वो टॉपिक है, थोड़ा सा डिफरेंस, और डिफरेंस को आप समझ लें कि ये वुक की वो समांतर प्लेट संधारित्र है, वहाँ प्लेटों के बीच में हवा या निर्वात था, यहाँ पर ये एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का एक माध्यम भरा हुआ है, ये इसमें डिफरेंस है। बाकी वहाँ ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो था, क्योंकि वहाँ दोनों प्लेटों के बीच हवा या निर्वात था, लेकिन यहाँ चूंकि एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का माध्यम भरा हुआ है, इसलिए यहाँ ई का जो वैल्यू है इसमें यहाँ नीचे एप्सिलॉन आर और आ जाएगा। तो यहाँ हो गया ई बराबर सिग्मा अपन एप्सिलॉन जीरो, तो वहाँ पहले का था ही, उसमें एप्सिलॉन आर और लिख दिया है। सिग्मा बराबर क्यू अपन ए पहले हमने पढ़ लिया था, ये वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा ई बराबर क्यू अपन ए एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर। वी बराबर ई डी आपको बताया था, ई की वैल्यू समीकरण एक से उठा के यहाँ रख देंगे, तो ये लाइन तैयार होगी। समीकरण नंबर 3, संधारित्र की जो धारिता है वो रहेगी सी बराबर क्यू अपॉन वी, समीकरण 4, तो ये वैल्यू इसमें रख दीजिए आप, क्यू की जगह क्यू और वी की जगह क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर, क्यू से क्यू कट गया और ये हो गया ए एप्सिलॉन जीरो बटा डी गुना एप्सिलॉन आर। बस फर्क इतना है, वहाँ पर ये अकेला ही आया था, ये नहीं आया था, बस आपको यहाँ ये एक्स्ट्रा लिख दे रहा है। इसको ये जो संख्या थी इसको मैं सी जीरो कह रहा हूँ, यह वायुयान निर्वात में निर्वात की उपस्थिति में धारिता है, तो ये हो जाएगा सी बराबर सी जीरो एप्सिलॉन आर, अर्थात ये माध्यम की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके आगे काम बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद।